हेलो दोस्तों, मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग वीर योद्धा सीरीज सेवन को हम लोग यहां पे शुरू करेंगे। आज की क्लास में किसी भी वर्गों का योगफल और घनों का योगफल हमें कैसे निकालना है उसको आज हम लोग सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 16 + 25 + 36 ... 100 के जोड़ का मान ज्ञात करना है। जब भी अगर दोस्तों आपके पास नोट पे क्लिक किएगा, जब भी अगर आपके पास दोस्तों 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... कहां तक n स्क्वायर तक अगर आपका आता है, आपके पास अगर ये सीरीज आ जाती है, इनका योगफल पूछ लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट नंबर दिया होगा याद रखिएगा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और n स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर लास्ट में 10 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी, लगातार नंबर चलते रहेंगे। तो आपको n जो है उसको लिखना है, फिर इसको क्या करना है, n में 1 बढ़ा दीजिएगा, n में 1 हम बढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर 2 n कर देंगे, n का डबल कर देंगे, +1 कर देंगे और बटे 6 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 9 + 16 दिया हुआ है, +25 दिया हुआ है, +36 दिया हुआ है, ... 100 तक दिया हुआ है। दोस्तों हमें इसका योगफल निकालना है, जब इसका योगफल निकालेंगे तो देखेंगे 9 किसका स्क्वायर है, बोलोगा 3 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, फिर 25 किसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर है, इसी प्रकार ये 6 का स्क्वायर है, ... कहां तक जा रहा है, 10 के स्क्वायर तक। तो आप यहां पर डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, मैंने कहा है कि 1 से स्टार होना चाहिए। यहां पर किसकी कमी है, बोलो सर जी, हम मैं रेड पेन से लिख दूं, यहां पे जिसकी कमी है उसको रेड पेन से यहां पर लिख देता हूं, बोलूंगा कि यहां पर सर 1 स्क्वायर ऐड कर दो, 2 स्क्वायर ऐड कर दो, ये जो नंबर आपने ऐड किया है इसी नंबर से हमें माइनस कर देना है, इसी नंबर से हमें क्या करना है, 1 स्क्वायर माइनस कर दो और 2 का स्क्वायर माइनस कर दो। ये बात समझ में आ गई, तो देखिएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर ... कहां तक है, 10 के स्क्वायर तक है। तो यहां से यहां तक तो आपको फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, 10 लिखिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 10 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा, 10 का डबल कर देंगे 20 और 1 बढ़ा दोगे 21 आ जाएगा और बटे 6 कर देंगे, ये फार्मूला लग गया। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा, 2 से काटो इसको, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, फिर 3 × 3 = 3 × 3 = 21 हो जाएगा, तो 7 × 6 = 35 × 11 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे 8 आएगा, फिर 3 आ जाएगा माइनस का 5, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 380 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि वहां वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, अगर कोई भी नंबर छूट रहा है तो उतने नंबर को ऐड करना है, उतने नंबर को माइनस करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पर डे आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए, जय हिंद जय भारत।